नमस्कार दोस्तों, हेल्पफुल चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज का टॉपिक है कि कौन से प्लैनेट आपको किस वर्ष आपकी खराब रिजल्ट देंगे, यानी कि जो ग्रह आपकी हैं वो आपको पता कैसे लगेगा कि आपको खराब मिलेगा या अच्छा रिजल्ट मिलेगा, तो आज की वीडियो में हम जानेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, चैनल के नीचे एक रेड बटन होगा उसको क्लिक कर दिए, उसके बगल में रिंग बेल होगी इसको प्रेस कर दीजिए ताकि नए वीडियो अपलोड होने पर नोटिफिकेशन के रूप में मिल जाए। समस्या वो मेल कर दीजिएगा nitin549@gmail.com पर, डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी है। दोस्तों आपको अपनी जन्मतिथि, जी हाँ दोस्तों, वैदिक कुंडली अगर नहीं है आपके पास, केवल डेट ऑफ बर्थ पता है, तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को सिर्फ कुछ फॉलोइंग स्टेप को फॉलो करें और आपको पता चल जाएगा कि जो करंट ईयर चल रहा है या अपकमिंग ईयर आएगा उसमें कौन से प्लेनेट आपको पॉजिटिव देंगे और कौन से निगेटिव रिजल्ट देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक डेट ऑफ बर्थ ली है मैंने, 12 फेब 1992, मूलांक इनका यानी ड्राइवर नंबर 3, भाग्यांक पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल यानी 8 3 एंड 8। आप लोशो ग्रिड क्रिएट कर लेंगे 3 8 99 11 222, बाकी नंबर 4 5 6 मिसिंग है, 7 नंबर भी मिसिंग है। ठीक, अब यहाँ पे सेकंड स्टेप थर्ड करना है, पर्सनल ईयर निकालना है आपको। पर्सनल ईयर में आपको क्या है, बर्थ डेट प्लस बर्थ मंथ प्लस करंट ईयर, तो यहाँ पे इसका टोटल 3 आएगा। सॉरी दोस्तों, फिर इसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है कि आपको अब देखना है कि ये 2023 है, इसमें 2023 में कौन से प्लैनेट आपको पॉजिटिव रिजल्ट देंगे या कौन से निगेटिव देंगे। तो ईयर 2023 में आप देख लीजिएगा, इसका टोटल आता है 7। अब केतु के फ्रेंड नंबर देखिए, केतु के फ्रेंड कौन होते हैं, राहु, मर्क्यूरी, शनि और जुपिटर। तो अब ये तीन प्लेनेट जो यहाँ पे 4 5 8 3 नंबर है, तो देखिए क्या आपके लोशो ग्रेड में प्रेजेंट है 4 5 8 3, तो इसमें से 4 नंबर मिसिंग है, 5 नंबर मिसिंग है और 3 और 8 प्रेजेंट है, बाकी नंबर 7 और 6 नंबर मिसिंग है, यानी केतु का खुद नंबर मिसिंग है। अब आपको पता कैसे करना है कि ये नंबर जो भी नंबर है वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट देंगे या निगेटिव रिजल्ट देंगे। तो यहाँ पे आपको पर्सनल ईयर नंबर देखना है, आपका पर्सनल ईयर नंबर क्या है, 3 आया है। तो अब 3 देखिए, 4 का फ्रेंड है कि अनफ्रेंड है, अनफ्रेंड है, तो यहाँ पर राहु, इस साल आपको 2023 में राहु का प्रभाव मिलेगा। अब राहु का प्रभाव क्या है, अगर आपकी मैरिज हो चुकी है तो मैरिज लाइफ में ससुराल वालों के पक्ष से आपको दिक्कत आएगी या मैरिज होते होते रुक जाएगी। ठीक, आपके ऊपर कर्ज आ सकता है, आप किसी चीज़ में फंस सकते हो, कोर्ट कचहरी का केस हो सकता है। ठीक है, आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हो उसमें अनसक्सेस ही मिलेगी। फिर इसके बाद नंबर आता है 5 नंबर, 5 नंबर 3 का अनफ्रेंड है, नौकरी में प्रॉब्लम आएगी, जॉब छूट सकती है। ठीक है, कर्जे भी बढ़ सकते हैं। 8 और 3, 3 और 8 है, तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा फाइनेंशियली गेन होगा, कोई काम कर रहे हो तो उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट जरूर होगी। 7 नंबर, यहाँ पे 7 नंबर मिसिंग है ऑलरेडी, तो आपको क्या होगा कि यहाँ पे 7 नंबर आपका कोई काम है वो भी इस साल पूरा नहीं होगा, डिले होगा, या आपकी संतानों को कोई ना कोई कष्ट आ जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग जान सकते हो कि आपको रिजल्ट यहाँ पे कैसा मिलेगा। करना क्या है आपको, अपना पर्सनल ईयर नंबर निकालिए और जो ईयर नंबर आता है वो देखिए उन दोनों में रिलेशन क्या है, और उस ईयर नंबर के फ्रेंडली प्लेनेट कौन से होते हैं, और जो फ्रेंडली प्लेनेट होते हैं वो पर्सनल ईयर नंबर का क्या फ्रेंड आ रहा है या अनफ्रेंड आ रहा है। अगर फ्रेंड आ रहा है तो वो प्लेनेट उस समय उसको रिजल्ट देगा पॉजिटिव, और नहीं आ रहा है तो निगेटिव देगा। और वो अगर जो नंबर आ रहा है वो अगर आपके लोशो चार्ट में नहीं है तो वो आपको निगेटिव रिजल्ट देगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग जान सकते हो प्लेनेट कब धनात्मक और ऋणात्मक असर देते हैं आपकी लाइफ में। धन्यवाद दोस्तों, हेल्पफुल चैनल को देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। समस्या हो मेल कर देगा nitin549@gmail.com पर, डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी। धन्यवाद दोस्तों हेल्पफुल चैनल को देखने के लिए।